नरेन ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार नहीं दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, और खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। महाराज, भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा।